गुड इवनिंग क्लास. नाउ वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में. ओके, तो इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल पढ़ेंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे, लीनियर एंगल पढ़ेंगे, लीनियर पेयर एंगल पढ़ेंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं. एंगल क्या होता है? जैसे दो लाइंस है, दो लाइन के बीच ये क्या हो गई? वर्टेक्स हो गई. जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. और इनके बीच जो एंगल बनता है, जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल. क्लियर हो गया? तो एंगल हमें समझ में आ गया क्या होता है. ये पॉइंट जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है. क्लियर हो गया जी? वर्टेक्स क्या होता है? जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो वर्टेक्स होता है. और जो दो लाइनों को कट करता है, दो लाइनों के बीच जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. क्लियर? आज हम उसी एंगल के बारे में पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, कितने टाइप से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये जैसे दो पैरेलल लाइन बना दिया, ए बी एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई सी डी. ओके, ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल लाइन. और ये जो पी क्यू लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. क्लियर हो गया? पी क्यू कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है. कौन सी है ये? ट्रांसवर्सल लाइन. वही यहां पे लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी. पैरेलल लाइन क्या होती है? दो लाइन जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को ना करें वो पैरेलल लाइन कहलाती है. क्या बोला हमने? कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं. क्लियर हो गई चीज? और ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? जो पैरेलल लाइन को कट करती है दो जगहों पे, मतलब पैरेलल लाइन को कट करेगी. तो ये हो गए, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. क्लियर हो गई चीज? वही यहां पे लिखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है. किसके? पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है. क्लियर हो गया? अब इसमें आता है पहला कि एंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो उसमें पहला पढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल कौन है? जैसे ये एंगल बन गया, ये जेड फॉर्म में बनाओ तो जेड फॉर्म में देखो ये बना है एंगल फोर ये और एंगल सिक्स ये. तो इसको ऐसे करके और ऐसे बनाया हमने जेड फॉर्म में. तो ये एंगल फोर किसकी हो जाएगा? सिक्स के. तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाता है. दूसरा कौन सा होगा? एंगल फोर का एंगल सिक्स हो गया और एंगल थ्री का कौन हो जाएगा? एंगल फाइव. तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए. ओके, उसके बाद आता है इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन है? फोर का सिक्स, थ्री का फाइव. इतना क्लियर? उसके बाद आते हैं एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. कौन सा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो बाहर के हैं. जैसे एंगल टू का एंगल एट है. एंगल टू का कौन सा हो गया? एंगल टू का एंगल एट है, ये एक्सटीरियर हो गया. एंगल वन का कौन होगा? एंगल सेवन. देखो यहां पर बनाया टू का एट, वन का सेवन. इतनी चीजें क्लियर हो गई. उसके बाद आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल. करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? कौन होता है? जैसे दो लाइन, ये हमारी लाइन बनी है, ये पैरेलल लाइंस हैं, इनमें ये जो एंगल है ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. इन्हीं को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल. जैसे यहां पे देखो एंगल वन का एंगल फाइव, एंगल टू का एंगल सिक्स, एंगल फोर का एंगल एट और एंगल थ्री का एंगल सेवन. वही का एंगल वन का एंगल फाइव, एंगल टू का एंगल सिक्स और एंगल थ्री का एंगल सेवन और एंगल फोर का एंगल एट. इतना क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल. इंटीरियर अपोजिट एंगल का हमेशा सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो वही लिखा है एंगल थ्री और एंगल सिक्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. वैसे इधर देखो एंगल फोर और एंगल फाइव का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ये इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. क्लियर हो गई? जैसे यहां बना है थ्री प्लस सिक्स, एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा आता है एंगल लीनियर पेयर एंगल. तो लीनियर पेयर एंगल कौन सा कौन होते हैं? एंगल एओसी, एंगल एओसी एंड एंगल सीओडी आर एडजेसेंट एंगल एंड एओबी इज अ स्ट्रेट लाइंस, सच एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल. ये दोनों हमारे एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं. क्लियर हो गई थी? अब लीनियर पेयर एंगल समझ में आ गया कि जिनका सम कितना होगा? 180 डिग्री हो, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाए. जैसे इस एंगल एओबी, एओसी और एंगल सीओबी, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल. एक चीज और यहां पे पढ़े थे एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल, दो एंगल हो और अगर उनका वर्टेक्स कॉमन है तो ऐसे एंगल हमारे क्या कहलाते हैं? ऐसे एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं. क्लियर हो गए? लीनियर पेयर में भी यही होता है मगर उनका सम 180 डिग्री हो जाता है. काम इसमें क्या लगेगा? टू एंगल हैव सेम कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स जैसे ये है, इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? सेम है. इन दोनों का सम करेंगे अगर ये 180 डिग्री आता है तो लीनियर पेयर एंगल है. ओके, और
ये कम वर्टेक्स हमारी क्या है, कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल भी कहलाते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अगर 180 एंगल सम आ जाता है तो लीनियर पेयर, अगर 180 वैसे 180 भी क्या नाम, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल वो होता है एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी आर एडजेसेंट एंगल। एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, सच एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। समझ गए कि एंगल ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, यही हमने लिखा है कि टू एंगल हैव सेम कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। वर्टेक्स क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए दोनों एंगलों में, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर उनका सम 180 डिग्री हो जाए तो लीनियर पेयर एंगल। ओके, एक स्ट्रेट लाइन बना ले तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, जैसे एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर होगा, वैसे ही एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 के बराबर होगा। ये क्या कहलाते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। वही लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 के और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 के। क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद देखो जो ये एंगल है इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन सब का सम हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। ओके, वैसे इसमें भी है, इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत, समझ गए। तो ये आगे और देखते हैं, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे लिखा है, जैसे ये एंगल है, ये वाला एंगल बना है 48 डिग्री, फाइंड x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ये कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है अल्टरनेट एंगल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा 48 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी, 48 डिग्री। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीजन हो गया। क्लियर हो गई चीज। वैसे ये देखो एंगल 52 किसके बराबर होगा, एंगल 52 ये दिया है, x डिग्री ये दिया है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 डिग्री। अब देखो ये 52 डिग्री तो आई है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, सेम लाइन पे एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल बना वैसे ये एंगल बना, तो देखो ये वाला बन गया, तो ये कौन सा करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे इसमें, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे ये एंगल बना है, ये एंगल 65 डिग्री है, x डिग्री निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। देखो ये क्या है, ये वाला एंगल हो जाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनका सम करेंगे x डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको इधर ले जाएंगे, तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब x डिग्री इज इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 इधर बचेगा, यहां जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा, 5 बचा, इधर बचा 7, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां बचेगा 115 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 डिग्री, तो x वैल्यू की वैल्यू हो गई 115 डिग्री। ओके, रीजन क्या था, इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल या इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये है, ये 71 डिग्री है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये ऐसा कहीं पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, कौन सा एंगल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो x की डिग्री इज इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71 डिग्री। ओके, और रीजन में क्या लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इतना क्लियर हो गया, 71 डिग्री ये आएगी, क्यों, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे थे, ये वाला हमारा प्रोसेस लगा, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। ओके, हमारा फिफ्थ, दो पैरेलल लाइंस है, ये एंगल 108 डिग्री है, ए डिग्री की वैल्यू पूछी गई, एंगल ए पूछा गया, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, ये एंगल, तो देखो यहाँ कौन सा बन रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये तो है अल्टरनेट अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल।
ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब दूसरा वाला देखो क्या है, एंगल ये वाला दिया है 43 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू पूछी गई है, तो ये कौन सा बन रहा है, देखो इस टाइप का बन रहा है, तो कौन सा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 43 के बराबर हो जाएगा। देखो ये एंगल किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, इसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, वैसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 43, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 43 डिग्री। अब कौन सा एंगल ये बन रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन में क्या लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, हम लोग सीट के सोल्यूशन कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब थर्ड वाला देखो क्या है, 7th नंबर का क्वेश्चन है, 114 डिग्री, और ये एंगल सी बना है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो सेम यही तो है, ये एंगल ये एक ही लाइन पे तो एंगल बन रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी की वैल्यू हो जाएगी 114 डिग्री, और एंगल कौन सा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, सेम ये वाला भी होगा वही, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। इतना क्लियर हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर 10, 67 डिग्री ये एंगल बना है, h डिग्री ये है, g डिग्री ये है, एंगल g की वैल्यू निकालनी है, रीजन लिखना है, तो एंगल g की वैल्यू क्या होगी, अब यहां देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो गए, हमने पढ़ा था लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो h प्लस 67 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से इसको इधर ले जाएंगे, तो h डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अब 180 से 67 माइनस करेंगे, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहां क्या बचा 7, यहां 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, और यहां आएगा 1, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 113 डिग्री। h की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाल ली, 113 डिग्री, ओके। रीजन क्या था, रीजन था लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल से हमने निकाला है ये। अच्छा जी की वैल्यू क्या होगी, ये और ये एंगल एक ही लाइन पे बने हैं, तो कौन से हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, ऐसा ही तो सेम यहां पे बना है, तो एंगल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67 डिग्री, और रीजन लिखेंगे यहां पे कौन सा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो गया, आगे देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 127 ये है, आई डिग्री ये है, जे डिग्री ये है, हमें फाइंड आउट करना है आई एंगल और जे एंगल, तो आई तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये देखो एक ही लाइन पे बना, ये पैरेलल लाइन हो गई, और ये आई है एक ही लाइन पे बना है, तो कौन सा हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 127 डिग्री, और रीजन हो जाएगा ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। और इसमें देखो ये एंगल कौन से बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, आई प्लस जे का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो एंगल आई प्लस एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आई की वैल्यू कितनी है 127 डिग्री, 127 प्लस एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर चला जाएगा, तो एंगल जे इज इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री, 180 से 127 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहां क्या बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, तो 53 डिग्री मैंने, जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 डिग्री, तो एंगल जे कितना आ जाएगा 53 डिग्री, और ये किससे हम लोगों ने निकाला है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ये वाला लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल, ओके। इतनी चीजें क्लियर हो गई। 12th क्या है, एंगल आई ये दिया गया है, एंगल के ये दिया गया है, 24 ये दिया गया है, और हमें फाइंड करनी है एंगल के और एंगल आई। तो देखो एंगल के तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ये दोनों कौन से हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा, एंगल के इज इक्वल टू एंगल के प्लस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 24। अब यहां से क्या जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहां 10, 10 में से 6, 4 जाएगा 6 बचेगा, यहां क्या बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, और यहां क्या 1, 156 डिग्री, एंगल के की वैल्यू कितनी आ गई 156 डिग्री। रीजन क्या था, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ओके। अब एंगल के मिल गया है, तो एंगल के इसके बराबर हो जाएगा ये एंगल,
क्योंकि एक ही लाइन पे बने तो एंगल के ये है, तो एंगल के ये भी होगा। इन दोनों का सम कर दें, आई प्लस के एंगल आई प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। या ऐसे ना करो, डायरेक्ट एंगल के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल आई जो बना है एंगल 24 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल लिख लो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू 24 डिग्री के बराबर होगा, एंगल आई इज इक्वल टू 24 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद दूसरा देखो, ये वाला इसमें क्या है, एंगल एम निकालना है। तो ये एंगल बना है, वैसे ये एंगल बना है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये भी क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल एम किसके बराबर हो जाएगा, 77 डिग्री के। तो एंगल एम इज इक्वल टू 77 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन सेम यही रहेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम यही वाला रीजन हो गया। ओके, इतना समझ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंगल एच एन की वैल्यू निकालनी है, 94 ये दिया गया है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो यहां पे देखो, जो एंगल ये है वही तो एंगल ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल एन है, तो ये भी एंगल एन इक्वल होगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये एंगल हो गया, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, दो पैरेलल लाइन ये है, तो एंगल एन ये है, तो ये भी एन होगा। अब इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल एन प्लस 94 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये उधर चला जाएगा, तो एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 94। इससे इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहां कितना बचा, यहां बचा 7, इधर हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, कितना आ जाएगा, 86 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एन कितना आ जाएगा, 86 डिग्री। ओके, कैसे हुआ, पहले तो करेस्पॉन्डिंग एंगल लगाया, उसके बाद लीनियर पेयर एंगल लगा। ओके, समझ में आ गया ये चीज, पहले क्या लगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन ये हो जाएगा एक करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, दूसरा हमने इसमें क्या लगाया था, लीनियर पेयर एंगल। इसमें देखो, पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल से हमने इसको इक्वल किया, और फिर हमने क्या किया, लीनियर पेयर एंगल लगा दिया, उसका सम कर दिया और आंसर निकाल लिया। उसके बाद ये देखो, ये कब हो, ये वाला एंगल 155 डिग्री है, ये पी डिग्री, हमें निकालना है पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है वैसे ये एंगल सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा, पहले क्या लगाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा क्या इक्वल हो जाएगा, ये वाला, तो ये भी एंगल पी आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर एंगल, तो एंगल पी प्लस 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर की तरफ ले जाएंगे, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155। ओके, अब इससे इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, कितना आया, यहां बचा 7 में से 5 जाएगा 2, तो 25, एंगल पी कितना आ जाएगा, 25 डिग्री, एंगल पी कितना आएगा, 25 डिग्री। तो पहले हमने क्या लगाया, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और बाद में क्या लगाया, लीनियर पेयर एंगल। ओके, रीजन है एंगल क्यू, एंगल आर ये हो गया, एंगल क्यू ये हो गया, और 119 डिग्री ये दिया गया है, हमें एंगल निकालना है, एंगल क्यू और एंगल आर निकालना है। तो एंगल क्यू और आर कैसे निकालेंगे, देखो ये 119 डिग्री ये है, तो ये भी 119 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये कौन सा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, 119 प्लस एंगल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, प्लस 119 इज इक्वल टू किसके बराबर, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, ये है कौन से है, लीनियर पेयर एंगल। तो इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 119 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहां कितना बचेगा, 7, 7 में से 1 जाएगा 61 डिग्री,
कितना आ जाएगा एंगल क्यू इज इक्वल टू 61 डिग्री। कैसे निकाला? लीनियर पेयर एंगल लगाया, पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल लगाया फिर लीनियर पेयर एंगल लगाया। अच्छा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 61 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी क्या बन रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल ही बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इतना समझ गए? ओके, थैंक यू क्लास।